हेलो एवरीवन, कुक विद ममता में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हेल्दी एंड टेस्टी आटा पिज्ज़ा की रेसिपी लेके आए हैं। आटा पिज्ज़ा बड़े बच्चों सभी को पसंद होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी मैदा लिया है, 2 चम्मच दही, पानी लिया है, 1 छोटे चम्मच नमक, 1 बड़े चम्मच चीनी, बेकिंग सोडा 1 छोटे चम्मच और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। आटा में पहले हम दही को ऐड करेंगे। दही में हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, चीनी डाल देंगे और हम नमक डाल देंगे और अच्छे से दही में ही सभी को हम मिला लेंगे। पहले देखिए, हमने दही में अच्छे से सभी सामानों को मिला लिया है। अब हम आटा को ड्राई मिला लेंगे अच्छे से और हमें एक स्मूथ डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम, देखिए चम्मच से हम पानी डालेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा का डो तैयार करेंगे। हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है, अच्छे से मसल मसल कर 5 मिनट तक हमने डो तैयार कर लेना है। हमने 1 चम्मच तेल लिया है और 1 चम्मच हम तेल डालकर और अच्छे से 3-4 मिनट तक हम आटा को और अच्छे से गूंद लेंगे और हम डो को नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए डो तैयार कर तेल से ग्रीस कर 1 घंटे के लिए हम ढक कर रख देंगे। एक घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो डो तैयार किया है उसे थोड़ा सा और हम मसल लेते हैं और मसल कर साइड में रख देते हैं और हम गैस पर एक मोटे तले वाली कढ़ाई चढ़ाएंगे। उस पर खाने वाला नॉर्मल नमक डालेंगे, उसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे। अगर स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं और उसे ढक कर गर्म होने देंगे। तब तक हम पिज्ज़ा तैयार करते हैं। देखिए, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसे हम हाथों से गोल करके दबाते हुए अच्छे से चारों तरफ से फैला के थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे। देखिए, हमने सूखा आटा लगाकर हमें रोटी के जैसा बेस तैयार करना है पिज्ज़ा का, और पिज्ज़ा का बेस हमें मोटा ही रखना है, पतला नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने टिफिन का ढक्कन लिया है, ढक्कन से इसे हम बीच पर रख कर प्रेस कर गोल निकाल लेंगे, जिससे हमारा पिज्ज़ा का बेस सुंदर बनेगा। चारों तरफ से देखिए किनारे को हम निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, पिज्ज़ा का जो बेस है किनारे किनारे से हम हाथों से दबाते हुए चारों तरफ से इसे दबा के ठीक कर लेंगे और हम एक प्लेट पे तेल से ग्रीस करेंगे, रिफाइंड ऑयल है, चारों तरफ से फैला के हम ग्रीस कर लेंगे और हमने जो पिज्ज़ा का बेस तैयार करके रखा है उसे उस प्लेट में डाल देंगे और हम किनारे की 1/2 इंच की बाउंड्री को छोड़ते हुए हाथों से दाग लगा लेंगे और फॉक की मदद से हम इसमें प्रेस कर देंगे, ताकि जब हम पिज्ज़ा बनाएं तो हमारा पिज्ज़ा का बेस फूले नहीं। इस तरह से हम दाग लगा लेंगे। अब हम केचप ऊपर से लगाकर, हमने जो जहाँ से दाग लगाया है वहाँ से हम केचप लगाकर चारों तरफ से फैला लेंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस हो तो आप पिज्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। चारों तरफ से फैला के हम इस पर मोजरेला चीज़ डालेंगे। हमने मोजरेला चीज़ को क्रश कर लिया है, चारों तरफ से फैलाकर मोजरेला चीज़ डाल देंगे। हमने चीज़ को चारों तरफ से फैला के लगा दिया है। अब इसमें हम शिमला मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में हमने देखिए काट लिया है और चारों तरफ से इसे भी हम लगा देंगे। एक प्याज को भी हमने इसी तरह लंबे टुकड़ों में काट लिया है, प्याज भी इसी तरह से लगा देंगे। टमाटर भी हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, टमाटर को भी किनारे किनारे हम लगा देंगे। आप इसमें चाहे तो मशरूम कॉर्न भी डाल सकते हैं और ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे।
अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा के किनारे किनारे हम तेल से ग्रीस कर देंगे और हमारी कढ़ाई भी हीट हो चुकी है। अब इसे हम स्टैंड पर प्लेट को उठाकर रख देंगे। प्लेट को हमने स्टैंड पर रख दिया है और इसे हम ढक देंगे और 10 से 15 मिनट मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में हमें पिज़्ज़ा को पकाना है। 10 मिनट के बाद एक बार हम चेक कर देख लेंगे कि हमारी पिज़्ज़ा अच्छे से पकी है कि नहीं। 15 मिनट हो चुकी है और देखिए हमारे पिज़्ज़ा बन के तैयार है। हमारी चीज़ भी अच्छी तरीक़े से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम केयरफुली नीचे उतार लेंगे और इसे हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो से गार्निश कर देंगे। देखिए मेरी पिज़्ज़ा बन के तैयार है। अगर आपको मेरी पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।